नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। वन विश्राम गृह लच्छीवाला में आदर्श औद्योगिक सहकारी संस्था डोईवाला द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता और विभिन्न संगठन और संस्थाओं के लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सबको राज्य के विकास में भागीदार बनना होगा। राज्य के विकास किसी एक के लिए नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक यात्रा है। हमारा प्रयास अपने कार्य दायित्वों को ईमानदारी एवं पूर्व निष्ठा के साथ करने होंगे, तभी हम जन अपेक्षाओं का सम्मान करने में सफल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक एवं रचनात्मक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले महानुभावों और अधिकारियों को सम्मानित किया। वन विश्राम गृह लच्छीवाला में आदर्श औद्योगिक सहकारी संस्था डोईवाला ने हमारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की विकास की यात्रा किसी एक की नहीं बल्कि सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और सभी को अपना अपना योगदान इसके लिए देना होगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से देहरादून में आहूत होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सत्र को लेकर कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 500 सवाल प्राप्त हो चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार का सत्र अच्छे से संचालित होगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले इस सत्र में तमाम विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं को तत्परता से उठाएंगे ताकि सरकार के संज्ञान में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मामले उजागर हो सके। गैरसैंण के में सत्र को लेकर रितु खंडूरी ने कहा कि हमें इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसम अनुकूल ना होने के चलते ही सत्र को देहरादून में आयोजित किया गया है, लेकिन आने वाले समय में गैरसैंण में जरूर सत्र आहूत करवाए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड की पूरी तैयारी हमेशा से ही रहती है और इस वक्त भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। 500 से ज्यादा सवाल आ चुके हैं, तैयारी पूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पहले की तरह सत्र अच्छे से चलेगा और सद्भाव के साथ चलेगा और जो विधायक हैं हमारे वो ज्यादा से ज्यादा सवाल उठाएंगे ताकि अपनी विधानसभाओं के बारे में वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। कालाढूंगी के चुनाखान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 66 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया गया। शिविर में आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक की इस पहल को सभी ग्रामीणों ने काफी सराहा। एक बृहद स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था चूनाखान वन परिसर के अंतर्गत। 1472 लोगों की कुल जांच हुई, जिसमें 567 लोग आंखों के नेत्र रोगी थे। उनमें हमने 352 चश्मे निःशुल्क वहां खेत खलिहान में काम करने वाले लोग, गरीब मजदूर लोगों को प्रदान कराए। साथ ही 66 लोग जो ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए थे, उनका आज निःशुल्क जो है 10 लोगों का हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक जो फिजिशियन हैं, डॉक्टर नीलांबर भट्ट जी का जो कैंप लगा था चूनाखान में, उस कैंप में मेरी सासू माँ की आंखों की जांच हुई। उसके बाद मनोज पाठक जी के माध्यम से हम आज नीलांबर भट्ट जी हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पर इनकी सारी जांच हो चुकी है, ब्लड शुगर और ईसीजी हो चुका है। इसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। मैं मनोज पाठक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज ये ऑपरेशन होने वाला है। मेरी आंखों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और मैं बारीक काम नहीं कर सकती हूँ,
आज मैं मनोज पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने निःशुल्क जांच कराई थी चुनाव खान वन परिसर में, और आज वहाँ डॉक्टर ने हमारी आंखें देखी और उन्होंने ऑपरेशन के लिए बताया था, और आज ऑपरेशन के लिए पाठक जी ने हमें यहाँ हल्द्वानी नीलांबर भट्ट जी हॉस्पिटल यहाँ पर हम आए हैं। पहले हमारी ECG की जांच हुई है, उसके बाद शुगर की जांच हुई। वहीं अल्मोड़ा के विकास भवन में महिला आयोग उपाध्यक्ष ने अधिकारियों और विभागों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें कई विभागों के अधिकारी समीक्षा बैठक से नाराज रहे। आपको बता दें कि अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें चंद विभाग के अधिकारी ही उपस्थित रहे। वहीं महिला आयोग उपाध्यक्ष ने अनुपस्थित विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति सह का कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है जिसमें महत्वपूर्ण विभाग नदारद हैं, जबकि उनको 3 दिन पहले ही इसकी सूचना दी गई थी, पर इसके बावजूद भी अधिकारी अनुपस्थित रहे, जो एक कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी मैंने यहाँ समीक्षा बैठक ली है और काफी अधिकारी यहाँ पे अनुपस्थित हैं, उन सबको चौकस नोटिस जारी किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी मीटिंग या किसी भी कार्य की को गंभीरता से न लेना एक अपराध है। सभी बाकी लोग भी अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए, सभी लोगों के काम का हर्जा होता है, तो हम लोग इनको भी, मैंने DDO साहब से कहा है कि वो सबको CDO साहब को कहा है कि सबको इनको चौकस नोटिस जारी करें। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा को अष्ट भैरव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। भैरव उपासना और आराधना से भैरव देवता भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। प्रतिवर्ष भैरव अष्टमी के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है और शहरवासी इस दिन भैरव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना और आशीर्वाद प्राप्त कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। देखिए, अल्मोड़ा जो है ऐतिहासिक स्वरूप लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पर को अष्ट भैरव और नौ दुर्गों का ये शहर माना जाता है, और यहाँ पर को 8 भैरव यहाँ विराजमान है, जो शिव जी के 5वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से विशेष तौर पर जो प्राचीनतम भैरवनाथ जी का मंदिर है, वो यहाँ पर को कुलकुली भैरव मंदिर है, जहाँ पर को भैरव जी का यहाँ पर को अष्ट भैरव का यहाँ पर को पूजन हुआ, और उसके बाद यहाँ पर को पाठ हुआ, और उसका यहाँ पर महामंडारा जो है भैरव जी को भोग लगाने के बाद यहाँ पर किया जा रहा है, और महामंडारा में कम से कम जो है 3 से 4 हजार लोग जो है यहाँ पर को भैरव जी का जो है प्रसाद यहाँ बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। हर साल यहाँ बड़े धूमधाम से सभी श्रद्धालुजन आते हैं, हम भी यहाँ इस पर्व में शामिल होने के लिए आए हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम, सभी लोग संपन्न, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। सभी भक्ति जन आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सभी जने आए यहाँ पर भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। वहीं गर्जिया मंदिर घूमने आए दो युवकों गौरव और अतुल की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक नहाने के लिए नदी में गए थे, नदी के तेज बहाव में आने की वजह से दोनों युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये दो लड़के थे, दोनों 25-26 साल की एज होगी, ये मगरबाद के रहने वाले हैं। करीब 3 बजे करीब सूचना मिली कि दो लड़के गर्जिया में कुंड में डूब गए हैं। इस सूचना पर हम लोग गए, जाके उसका रेस्क्यू का एक को हमने निकाल लिया था, दूसरे को थोड़ा दूर जाके निकाला गया। बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से और जनता की मदद से उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। वहीं रुड़की में शोभाराम प्रजापति को बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर निशंक पोखरियाल ने रिबन काटकर किया। डॉक्टर पोखरियाल ने कहा कि रुड़की की विधानसभाओं पर जिला स्तर और मंडल स्तर पर नए पदाधिकारी बनेंगे, जिससे संगठन को और मजबूती मिलेगी।
वहीं इस मौके पर चैंपियन कुंवर प्रणब सिंह, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल और बीजेपी नेता वेद टेक बल्लभ के साथ साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसे जिलाध्यक्ष की पूरी टीम जो रोटी क्षेत्र की छह विधानसभाएं जिले जिला स्तर पर नए पदाधिकारी बनेंगे, मंडल स्तर पर नए पदाधिकारी बनेंगे और नीचे की स्तर तक तो निश्चित रूप से संगठन को और मजबूती मिलेगी और हमारे जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारियां बढ़ी मिलेगी, स्थानीय लोगों की भी नजदीकियां बढ़ेंगी, जो आम लोग होंगे सब होगी, ऐसा मिलेगा कि आम आदमी के साथ और निकटता बढ़ेगी और नियंत्रण भी होगा। वहीं उड़के विकास प्राधिकरण ने मंगलौर में नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से बंद रही चार दुकानों को सील किया है। विकास प्राधिकरण के अपर अभियंता डीएस रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलौर में रजवाहे के निकट एनएच 58 पर चार दुकान बिना नक्शे पास कराए गए निर्माण कार्य को पूरा करा लिया गया था, जिसके बाद उन्हें सूचना मिली तो वो पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और चारों दुकानों को सील कर दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे हैं उन पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और जो है मेरे मैं खुद वहां पर स्पॉट पर गया था, मैंने तुरंत जो है नोटिस काट दिया है उसका और नोटिस काटने के बाद उसको हम उचित सुनवाई के बाद हम उचित कार्रवाई करेंगे उसमें। हाँ, नोटिस सर होने के बाद ही जो सारी चीज स्थिति क्लियर होगी, फिर भी हम काम रुकवाने के लिए भी टीम है। बिना मानसित के नक्शा बिना मानसित के निर्माण किया गया था और शिकायतें प्राप्त हो रही थी और आप लोगों के माध्यम से भी मुझे प्राप्त हो गया था, तो हमने उसमें विधिक रूप से कार्रवाई की। उत्तराखंड के सितारगंज में एनएच 74 पर नया गांव भट्टा के पास स्कूल बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग 22 छात्राओं को गंभीर चोटें आई थी। हादसे के दौरान मौके पर एक शिक्षिका और एक 14 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई थी, जिसका संज्ञान मिलते ही प्रशासन अब हरकत में आ गया है। इस मामले में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने भी यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। उधम सिंह नगर के एआरटीओ ने बताया कि मुख्य रूप से स्कूल बसों और प्राइवेट वाहनों जो क्षमता से अधिक बच्चों और सवारियों को ले जाते हैं जिनके पास फिटनेस परमिट नहीं है, एक अभियान के तहत उनकी चेकिंग की जा रही है। वहीं एक दर्जन वाहनों का चालान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बगैर किसी रियायत के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। में हम लोगों ने आज सुबह से अभियान चला रखा है, खासकर स्कूल बसों के खिलाफ और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो स्कूल के बच्चे ढोती हैं उनके खिलाफ, और खासकर ऐसे टेम्पो मैजिक जो कि ओवरलोडेड बच्चे ढोते हैं उनके खिलाफ जिनके पास फिटनेस परमिट नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह के सभी कैटेगरी में जो वाहन बंद किए गए हैं हम लोगों ने 12 वाहनों का चालान किया है और 7 गाड़ियां हमने यहाँ पे मंडी परिषद में एक सरकड़ा चेक पोस्ट पे भी बंद किया। वह जंगली हाथी और बाघों के लिए विख्यात राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के ग्रेट सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। टाइगर रिजर्व के चीला गेट पर प्रशासन ने अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर पार्क के गेट को खोले। पार्क गेट खुलने के बाद जंगल सफारी शुरू हो गई है। जंगल सफारी के पहले दिन पहुंचे पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि हरिद्वार का राजाजी टाइगर रिजर्व जंगली हाथियों का जंगल सफारी के लिए देश दुनिया में जाना जाता है।
साल भर में देश विदेश से हजारों की तादाद में सैलानी राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए पहुंचते हैं। जो राजाजी नेशनल पार्क है, सबसे पहले इसकी लैंडस्केप वगैरह और एलिफेंट की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है कि ये राजधानी के पास इतना नजदीक कोई टाइगर रिजर्व है, तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इसको ओपन किया गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे पर्यटक आएंगे, जो आसपास के लोग हैं उनके रोजगार में ये अवसर प्रदान करेगा, और साथ ही में लोगों को भी पता चलेगा कि इतने आसपास घने जंगल है, रिच जंगल है, और बहुत ही नजदीक आबादी के पास कैसे सहिष्णुता से सारे लोग रह रहे हैं साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो हम अंदर घूमने जा रहे हैं, 2-3 सालों से दिन नंबर आ रहा हमारा, तो अच्छा लग रहा है हमें। वही हरिद्वार में 3 दिवसीय भारतीय कुश्ती संघ ने कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के विभिन्न वर्गों के पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए। वही राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसकी खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में जीतने वाले खिलाड़ी वाराणसी में फाइनल मैच में खेलेंगे। खेल मंत्रालय की तरफ से, खेलो इंडिया की तरफ से ये ग्रैंड प्री प्रतियोगिता इस समय चल रही है यहाँ पर महिलाओं की और पुरुष की। विशेष करके महिलाओं, जो महिलाएं जीत रही हैं, तो जो गोल्ड जिनको मिलेगा उनको खेलो इंडिया की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से 15,000 रुपये, और जो सेकंड बनेगी उनको 13,000 रुपये, और जो तीसरे स्थान प्राप्त करेंगे उनको 10,000 रुपये ये मिलेगा। वही प्रदेश के पशुपालकों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से दूरस्थ इलाकों में भी अब इन चिकित्सा इकाइयों के जरिए पशुओं का इलाज हो सकेगा। जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 भी जारी किया गया है। इस मौके पर गोट वैली, नाबार्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन और एनसीडीसी के अंतर्गत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यह प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी। पहले से कह रहे हैं कि हमें अभी तुरंत लगभग 19,000 जो हमारी इन 7,000 के अलावा जो 19,000 पद हमारे रिक्त हैं, हमारा संकल्प है कि हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे। देश के अंदर जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसी कड़ी में उत्तराखंड के भी जितने हमारे सरकारी विभाग हैं सभी की मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, और जहां भी हमारे पद खाली हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। बालकों को आज बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करी जाए, जिस तरीके से इंसानों को 108 की सेवा दी जा रही है उसी तरीके से आज हमारे जो बेजुबान पशु हैं उनकी देखरेख में माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि हमने 60 एम्बुलेंसेज आज यहां पर लॉन्च करी है। 1962 एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने यहां पर इशू किया है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, जो पशुपालक हैं, जब उनको कभी भी उनके पशुओं को समस्या आए तो वो 1962 पे कॉल करेंगे। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में एक अलग पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री ने हर विधायक से उनकी विधानसभा से 10 कामों का प्रस्ताव मांगा है, जिसको लेकर अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने अपने 10 कामों का पत्र मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मनोज तिवारी ने कहा कि उनकी विधानसभा में कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, जिसमें सरयू शेदाघाट पंपिंग योजना, अल्मोड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज, हृदय रोग विशेषज्ञ, अल्मोड़ा बाजार में पौराणिक पटाल समेत अनेक प्रस्ताव भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को मुख्यमंत्री जी अल्मोड़ा आ रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि उसी दिन मुख्यमंत्री मेरे कामों की घोषणा भी करेंगे।
मेरी विधानसभा के विकासखंड धौलबाग में जो आजीविका महोत्सव हो रहा है उसमें उनका आगमन हो रहा है। और इसके साथ साथ जैसा कि पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे विधायकों से 10-10 काम आ गए हैं, और ये स्वाभाविक का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छी पहल करी है और मुझे उम्मीद है कि जो पहल करी है वो धरातल पे भी भविष्य में उतरेगी। उसमें हमने 10 कामों का प्रस्ताव बना के CDU के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है अल्मोड़ा के लिए हमारा जो है कि स्पोर्ट्स कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, उसके साथ 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 पेयजल की दृष्टि से सरयू सिराघाट पंपिंग पेयजल योजना। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई बड़े निर्णय भी लिए गए, जिसके तहत उत्तराखंड के IAS और PCS अधिकारियों को महीने में एक दिन स्कूलों में जाकर निरीक्षण करना होगा। वहीं जिन स्कूलों की इमारतें खराब हालत में हैं उनका फिर से निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही 2300 से ज्यादा गेस्ट टीचर्स के लिए पदों पर भर्ती का भी फैसला लिया गया है। स्कूलों में खाली 4th क्लास के पदों को भरने पर भी सहमति बनी, जबकि BRC और CRC के पदों पर भर्ती को मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये तीसरी बार हमारे माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा की एक समग्र जो है चिंतन हो रहा है, समीक्षा हो रही है कि हमको NEP 2020 के लिए जो हमने लागू किया अपने प्रदेश में, क्योंकि देश का पहला राज्य है कि जिसने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। देखिए, पूरे विभाग की समीक्षा थी और हर बिलों पर इसमें डिस्कशन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे जो हमारे भवन ध्वस्तीकरण के करीब हैं या बिल्कुल गिरने योग्य हैं उनमें कदा बच्चों में बैठाया जाए और जरूरत पड़ती है किराए की बिल्डिंग लेकर उनको शिफ्ट किया जाए। जो स्कूल के भवन खराब हैं उनको तत्काल ठीक किया जाए। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों के 2300 अतिथि शिक्षकों को भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि आप 2300 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करिए। देहरादून से काशीपुर पहुंचे जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया। वह जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों ने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी है वो उसे बखूबी निभाएंगे और पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए और उनका सहयोग करते हुए और सबको साथ लेते हुए, अपने पुराने जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी उनको भी साथ लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का कार्य करूँ और आने वाले चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय इस पूरे काशीपुर जिले में प्राप्त करेगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।